आधी रात को धानी शहर के वार्ड नंबर 12 में एक प्रतिष्ठित नागरिक और फिर नगर सेवक के घर में चोरों के घुसने की खबर से पूरे इलाके में खलबली मच गई। इसे चोरी के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आसिफ सौदाकर के छोटे भाई की बेटी की सगाई रविवार को अचलपुर में रखी गई थी। पूरा सौदाकर परिवार घर पर ताला लगाकर परिवार के साथ अचलपुर चला गया था। सोमवार सुबह जैसे ही आसिफ सौदाकर घर पर आया, उसने टूटे दरवाजे और तिजोरी के साथ अपने घर पर चोरी की तस्वीरें देखी। किसी को पता था कि कोई भी घर पर नहीं है, स्थिति का फायदा उठाया और आधी रात को घर में घुसकर तिजोरी, अलमारी और अन्य स्थानों से लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण, चांदी के गहने और नकदी चुरा ली। इसे चोरी के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी माना गया है। नैनी थाने के प्रभारी अधिकारी IPS निकेतन कदम, पुलिस उप विभागीय अधिकारी संजय काले, PI ठाकुर, अनिल झरेकर, अनुराग पाल, सचिन हुल और अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। डॉग स्क्वाड को निकेतन कदम से बुलाया गया है और पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। अब इन चोरों के बारे में पुलिस से जानकारी ली जा रही है। जल्द ही जांच पूरी होने की संभावना है। सौदाकर की दुकान है मेरी और हम लोग 17 तारीख की भतीजी की मंगनी थी अचलपुर में। हमारा पूरा परिवार अचलपुर मंगनी में गया हुआ था और घर पे कोई भी नहीं था। हम सब लाख मार के गए थे घर पे और वहाँ से फिर दूसरे दिन हम लोग, मैं, मेरा भाई, मेरा एक चाचा का लड़का डरावर धारनी पहुँचे। हम लोग यहाँ 9 बजे पहुँचे, जो देखते तो ऊपर चढ़ के देखते तो पूरे ताले टूटे हुए रूम के, मेरे रूम के ताले टूटे हुए, बाकी कोई रूम के ताले टूटे हुए नहीं थे। उसके बाद में फिर मैं अंदर घुसा, अंदर घुसने बाद में जो देखता तो अलमारी भी मेरी पूरी टूटी हुई थी। उसमें से कुछ पैसा था, नकदी पैसा था, कुछ सोना था, कुछ चांदी था, घर के लोगों के जेवर थे, भाव के जेवर थे, बेटी के जेवर थे, वो सब उसने हाथ मार के सब निकल गया यहाँ से। फिर भी ये समझो कम से कम 30-1 लाख की तो होंगी सब मिला के। खैर बोले तो भाई जिसको मालूम हो वही घुसा हुआ घर में। अच्छा, बाहर का जैसे जिसको भी अंदर का मालूम था, क्योंकि मेरे रूम में घुसा ना वो। अच्छा, बाकी दूसरे रूम में हाथ भी लगाया नहीं उसने। बहुत मेहनत कर रहे हैं, साहब भी आए थे, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे अधिकारी छोटे बड़े सभी आए थे और ऊपर से अमरावती से भी उन्होंने डॉग वगैरह और कुछ बुलाए वहाँ से। तो यहाँ आके अभी सब चेकिंग चालू है और पुलिस बहुत मदद कर रही है हमारी। BCN न्यूज के लिए धानी से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।